को बोलते हैं अंगुलियां, अंगुलियां यूं ना उठाया करो, अंगुलियां यूं ना सब पर उठाया करो, प्रश्न कहने पढ़ने से पहले अंगुलियां यूं ना सब पर उठाया करो, अंगुलियां यूं ना सब पर उठाया करो, प्रश्न करने से पहले कुछ समझाया करो। जिंदगी क्या चीज है, जिंदगी क्या चीज है, खुद ही समझ जाओ, खर्च करने से पहले पैसा कमाया करो। तो इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग पढ़िएगा अच्छे से, अपना अपना मंजिल प्राप्त कीजिएगा। अब ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट जो है, ये ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट भी इतना जाना जरूरत है। टी एस पार, तो टी एस पार टी साइड का होता है, ये टी एस पार है, टी साइड का है, इसमें ब्लेड होता है, बाकी एज होता है, इवनिंग एज होता है, ये तीन जो होता है इसको टी एस पार बोलते हैं। टी एस पार चार साइज होता है, 1500, 1000, 1700, 700, 500, 500, 300। आप दूसरा आपको हो गया सेट स्क्वायर, सेट स्क्वायर हम लोग घर में यूज करते हैं, जो है एक सेट स्क्वायर है, त्रिभुज रहता है, 30, 60, 90 का बनेगा, और दूसरा सेट स्क्वायर 45, 45, 90 का बनेगा। ड्राइंग बोर्ड, ड्राइंग बोर्ड बोर्ड के जैसा रहता है, लेकिन बोर्ड का जो है 15 डिग्री स्लोपिंग रहता है, ऊपर ऊंचा रहेगा, नीचे स्लोपिंग रहेगा, और ये हमारा ड्राइंग बोर्ड रहता है। और ड्राइंग टेबल हो गया, और ड्राइंग बोर्ड हमारा ड्राइंग टेबल पर रखते हैं, और उसमें हो आप इस बात फ्रेंच कर्व देख रहे हैं, फ्रेंच कर्व बहुत जाना जरूरत है, परीक्षा में हमेशा आता है कंपटीशन में, तो फ्रेंच कर्व इसको जानने के लिए कोई भी इंसान देखते हैं फ्रेंच कर्व ड्राइंग बनाता है, तो फ्रेंच कर्व का मतलब कोई साइड नहीं है, तो फ्रेंच कर्व ऐसा ड्राइंग का इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा हम अव्यवस्थित चित्र बनाते हैं, यानी जो प्रकार हो गया आपको, कंपास हो गया, या फिर या स्केल हो गया, या सेटस पर अगर ड्राफ्टिंग मशीन है, ये सब के द्वारा नहीं बनता है, तब उसको हम बनाने के लिए फ्रेंच कर्व का इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंच कर्व प्लास्टिक स्टूडेंट का बना रहता है, एक बॉक्स में आता है, और इसकी संख्या 10 है। तो फ्रेंच कर्व मुख्यतः आप व्यवस्थित चित्रों को बनाने के लिए रहता है, ये आपको हमेशा दिमाग में रखना है। अब इसके बाद स्केल आ गया, स्केल आप लोग देखे हैं एमएम सीएम सेंटीमीटर बना रहता है, 30 mm वाला खरीदना है। ड्राइंग शीट पेपर, तो ड्राइंग शीट पेपर का परिभाषा ये है कि ड्राइंग शीट पेपर एक सेल्यूलोज का बना हुआ रहता है, और ड्राइंग शीट पेपर उच्च क्वालिटी का है, ये मोटा रहता है, स्याही से लिखने में पार नहीं होता है, और ड्राइंग शीट पेपर जो है ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 साइज में पाया जाता है। 1 kg ड्राइंग शीट पेपर का माप 1180×848, A1 का 848×594, A2 का 594×420, A3 का 420×297, A4 का 297×210, A5 का 210×347। ये पांचों आपको ड्राइंग शीट पेपर याद रखना है, कंपटीशन के इंपॉर्टेंट है, आप कोई भी एएमपी दीजिएगा, कोई भी टेक्नीशियन, इसमें से कोई भी एक साइज आएगा। अब इसके बाद हो गया आपको पेंसिल, पेंसिल का 18 ग्रेड है। अब पेंसिल तीन तरह का होता है, हार्ड पेंसिल, मीडियम पेंसिल और एक सॉफ्ट पेंसिल। तो हार्ड पेंसिल 2H पेंसिल से 9 इंच तक, सॉफ्ट पेंसिल F, HB और B, और इसके बाद 2B से लेकर के 7B तक शॉर्ट पेंसिल का तीनों पेंसिल है। अब पेंसिल तीनों दो तरह से होते हैं, एक कोनिकल और एक हमारा चीजल हो गया। तो चीजल पेंसिल चौड़ा रहेगा, कोनिकल पेंसिल जो है वो हमारा सिलेक्टर रहेगा। अब ड्राफ्टिंग मशीन का परिभाषा देना है, तो ड्राइंग का वैसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें प्रोटेक्टर, स्केल, टी एस पार लगे हुए रहते हैं एक साथ, तो वो ड्राफ्टिंग मशीन है। इससे हम लोग ड्राइंग बहुत आसानी से बनाते हैं, जल्दी बनता है, एक्यूरेसी बनता है। अब इसके बाद स्टैंड पेपर ब्लॉक, तो पेपर हम लोग घर में देखते हैं टांगी वगैरह बजाने के लिए एक स्टील रखता पत्थर वाला, तो इसी तरह से पेपर को, ये ड्राइंग जो हमारा पेंसिल है, पेंसिल को नोक बनाने के लिए, चीजल नोक बनाना है या कोनिकल नोक बनाना है, तो हम लोग स्टैंड ब्लॉक पेपर का इस्तेमाल करते हैं, ये हमको दिमाग में रखना है। अब एजिंग शील्ड हो गया, एजिंग शील्ड ये एक शील्ड रहता है, मान लीजिए कोई ड्राइंग शीट पेपर है, तो जब ड्राइंग शीट पेपर है और ड्राइंग शीट पर हमको ये मिटाना है, इसको इसको मिटाना से रजिस्ट्रेड यहाँ रख देंगे, रखेंगे तो ये इतना है, अब इतना से इसको हम क्या करेंगे मिटारेंगे, तो जितना मिटा तीसरा वाला लाइन सब सुरक्षित बच गया, और सिर्फ जितना पर रखेंगे रीडिंग शील्ड उतने मिटा, बाकी का हमारा ड्राइंग कोई कंधर नहीं हुआ, तो वो फिक्स करके वहाँ रख करके मिटाया जाता है, इससे इधर उधर कोई भी लाइन डिस्टर्ब नहीं होता। अब इसके बाद हम लोग ट्रेसिंग पेपर हो गया, ट्रेसिंग पेपर है बहुत पतला पेपर आता है, और हम लोग देखते हैं कि कोई भी ड्राइंग शीट है इस पर बनाते हैं तो जल्दी बनता है, और आजकल देखते हैं कभी कभी बच्चों लोग का परीक्षा होता है स्टूडेंट का, देखिए जब 50 ट्रेसिंग पेपर से बनाता है, नीचे बल्ब लगा दिया, ऊपर फिगर रख दिया, ऊपर पर ट्रेसिंग पेपर रखा, और स्टूडेंट लगा कर एकदम धड़ घूम दिया, ये एक तरह से नकल करने के लिए बहुत आसान है, या फिर किसी चीज़ को सुरक्षित रखने के लिए। अब इसके बाद हम लोग टेम्पलेट, टेम्पलेट का मतलब है कि
यानी हम लोग एबीसीडी हो गया, हेक्सागोनल हो गया, त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, पेंटागन हो गया, इस टाइप एक इतना बड़ा फिगर रहता है, सेलुलॉइड का बना हुआ रहता है, उसमें सब फिगर बना रहता है, रखिए और भेज दीजिए। ये टेम्पलेट रेडी में रहता है, हर तरह के फिगर बना हुआ रहता है, रखिए और ड्रा कीजिए। फर्स्ट काम होता है इसको हैंड कीपर चिप, ये इसलिए रेस्टमेंट हमको जरूरत है कि हैंड कीपर चिप रहेगा तो कोई ड्राइंग हम मिटा रहे हैं, इरेजिंग कर रहे हैं, या हमारा इंस्ट्रूमेंट गंदा है, या फिर कोई चीज़ गंदा है, तो हम लोग काम कर रहे हैं। आज इसको रोल एंड ड्रा, तो रोल एंड ड्रा हो गया, तो रोल एंड ड्रा हम लोग देखे हैं, तो रोलिंग रहेगा उसमें, प्रोटेक्टिया रहेगा और स्केल रहेगा, तो रोल एंड ड्रा की परिभाषा कर देंगे, तो ऐसा ड्राइंग का इसमें रोलिंग, प्रोटेक्टियर और इसके बाद स्केल रहता है, तो तीनों को संयोजित रूप हम लोग रोल एंड ड्रा बोलते हैं। लेंथ की बात, अगर कोई हमको बड़ा डायमीटर बनाना 120 mm का, तो उसमें क्या होता है कि लेंथ की बार में लेंथ जोड़ करके न्यू कमांड द्वारा उसको लंबाई बढ़ा देते हैं, तो वो हमारा 120 बन जाता है। तो लेंथ की बार 120 mm से ज़्यादा वाला की जितना भी बनाना है, तो उसके लिए हमको लेंथ की बार की जरूरत पड़ता है, ये हमको ऊंचाई बढ़ा देता है, तो ज़्यादा व्यास वाला बनता है। ड्राइंग पिन, पिन को हम लगा रहे हैं ड्राइंग बोर्ड पर, तो उसको एडजस्ट करने के लिए ड्राइंग पिन की जरूरत है। सेलेक्टो पर तो भी चलता है, ट्रांसपेरेंट वाला तो इस्तेमाल करते हैं, ड्राइंग पिन इसलिए करता है कि क्षति हो जाता है। अब इसके बाद हम लोग देख लिए, तो इस तरह से याद रखना है, तो ये फ्रेज टर्ब होगा मेक इम्पॉर्टेंट है, टी स्क्वायर मेक इम्पॉर्टेंट है, ड्राफ्टिंग मेन इम्पॉर्टेंट है, इरेजिंग स्टैंड है, इसके बाद हमारे जो है ये, इसके बाद हमको ड्राइंग बोर्ड, ये चारों जो है हमको ये 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 और इसके बाद ये, इसके बाद ये जितना पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से आप लोग पूरा समझ गए ड्राइंग स्टूडेंट, और अच्छे से याद रखिए, परीक्षा में बहुत उपयोगी है। थैंक यू।